स्टेटस क्या है? अब जब आप जातिगत सर्वे कर दिए तो ये बताने में आपको क्या परेशानी है कि जो क्लर्कियल टाइप का स्टाफ और ब्लॉक में काम करने वाला हो, रुपया का पर्ची काटने वाला हॉस्पिटल में है, उसका जातिगत स्टेटस क्या है? तो आप तय मानिए, ये जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम बैकवर्ड की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम बहुसंख्या की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पता चल जाएगा उस पर केवल दो और तीन ही जाति का, मतलब कितना दिमाग से काम हो रहा है कि, और असर कि जो जो वीडियो साहब बैठे हुए हैं, जो क्लर्क बड़ा बाबू बैठे हुए हैं सरकारी, वो तो है ही है, रिजर्वेशन की वजह से नीतीश जी अपने भर दिए हैं सब में, और जो उसके अलावा जो स्टेपनी के रूप में बाहर से जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से बहाली हुआ है, जिसके पास सबसे पहले लोग जाता है परम्मा से नहीं भर दीजिए, यानी कमक वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वही भरे हुए हैं, तो हम लोग का काम कहाँ होगा? और आश्चर्य की बात है कि जिनको हम अपना वकील बना के भेजे हैं, आप कल के तारीख में रिप्रेजेंटेटिव बनिएगा तो आप क्या है, आप हमको कुछ नहीं कर दीजिएगा? मेरे खेत में आप काम करने नहीं आएगा आइएगा, आपका केवल काम है एक बेहतर एडवोकेसी, हमारा जो समस्या है उसकी वकालत बड़े मंच पर आप कैसे कीजिएगा, सदन में कैसे उठाएंगे, सदन में केवल आपका वकालत करना काम है, मेरा खूटा बदलना आपका काम नहीं है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इतना अंदर खाने जो चीजें हो रही थी, ये खिचड़ी पक रहा था, तो हमारे कुल के माननीय लोग क्या कर रहे थे? बड़ा सीधा सा सवाल है, वही कह रहे आप क्या कर रहे थे? वही कह रहे भैया, देखिए तो एक टर्म आता है, एक टर्म आता है क्लास, और एक टर्म है उसका अपोजिट डी क्लास। होता क्या है कि उस जगह पर जाने के बाद लोग अपने आप को डी क्लास कर लेते हैं, जिसका हिंदी होता है सर वर्ग च्युत, कि अभी तो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और जैसे ही आपका स्टेटस सिंबल चेंज हो गया तब आपको लगेगा कि हम इस जमात में बैठे हैं, मेरा तो क्लास अलग हो गया। तो हमारे सारे जो माननीय है ना अपने आप को डिक्लास्ड कर लिए। देखिए जितने भी माननीय है उनका बैकग्राउंड ये नहीं रहा है कि समाज के जेन्युइन मुद्दों पर आवाज उठाकर माननीय बने, कहीं ना कहीं झंडा ढोकर ही बने, और उनकी मजबूरी है कि उससे अलग होकर बोल नहीं सकते। ये सबको पता था ना कि रोलेक्ट एक्ट की तरह एससी एसटी एक्ट पर अध्यादेश लाया जा रहा है, आधे से ज्यादा सांसद फॉरवर्ड थे, एक ने भी उचित समझा कि भाई आवाज उठाए। अभी बताइए ना कि 4500 15 दिन पहले की तो बात कर रहे हैं, 4500 बहाली निकले, एक भी सीट नहीं, कोई बोला? कोई बोला? आज बहुत लोग आ जाएंगे कि मोदी जी के नाम वोटवा दे दीजिए, फलाना जी के नाम पर दे दीजिए ना, 4500 बहाली पूरे इंडिया। अच्छा, हम लोग के पास ताकत नहीं कि हम आज तक में डिबेट बैठवा लें, है ट्विटर फेसबुक और ऐसे ऐसे युवा जो जुड़े हुए हैं, 3 दिन तक हम लोग इंडिया में ट्रेंड करवाए हैं सवर्ण विरोधी बीजेपी, सवर्ण विरोधी बिहार सरकार, चूंकि बीजेपी का मंत्री है स्वास्थ्य मंत्री, ये इसलिए करवाए चूंकि भाई तुम सीधे उंगली से नहीं दे रहे हो तो टेढ़ा करना पड़ेगा। उसके बाद लाइव आए, हजारों लोगों ने ट्विटर पर मेंशन किया सम्राट चौधरी को, और हमने कहा कि पूरे बिहार में घूमेंगे कल से कमंडल में गंगाजल लेके, और जितना फॉरवर्ड का बच्चा है हाथ में गंगाजल देके कसम खिलवाएंगे कि जब तक जिंदा है तब तक भाजपा को वोट नहीं करेंगे, हम तुमको मजबूत करेंगे तो उनको कमजोर करोगे, हम किसी हमें नहीं करेंगे, तुम पिछड़ा को पिछड़ा को दलित को क्यों दे रहे हो, हमारा हक है। और इसका परिणाम हुआ कि 48 घंटे के भीतर में वो नोटिफिकेशन रद्द हुआ, वो बहाली कैंसिल करना पड़ा और कोई नहीं बोला। तो आज जब हम अंदर नहीं है बाहर है तो इन चीजों के माध्यम से आवाज उठा रहे हैं तो उसका असर हो रहा है, वहां पहुंचने के बाद आवाज उठाएंगे थोड़ी दूर तक आवाज जाएगी। एक बात तो जीते है कि हमारा हमारे ब्लड में घुस चुका है समाजी बात तय है, क्योंकि हमारा उदय ही वहीं से हुआ, हम शुरुआत ही वहीं पैदा ही लिए उसी में, तो हम उसको निकाल नहीं सकते। तो जहां हमारे खिलाफ यदि कोई कानून बनेगी, कुछ भी होगा, कोई कानून बनेगा, 550 सांसद चुप रह सकते हैं या स्पष्ट बोलेगा, अगली बार टिकट देगा कि नहीं देगा। हम इस बात पर भरोसा रखते हैं और इस बात पर विश्वास रखते हैं कि यदि समाज पर हमारा पकड़ है तो पार्टी टिकट वो तो हमारे घरे लाके पहुंचा, उसकी मजबूरी है, और यदि समाज पर पकड़ नहीं है तो हमको पार्टी का झंडा ढोना पड़ेगा, प्रदेश अध्यक्ष का पैर पकड़ना पड़ेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चमचागिरी करना पड़ेगा। तो हम समाज के लिए लड़ेंगे और समाज को हमारे वोट की आवश्यकता होगी तो हमारे घर पर टिकट लेके आएगा। ये जी हमारा विजन क्लियर है, बाकी तो चलिए बहुत बढ़िया है, एकदम कैंपेन कीजिए, लोगों को इसी रूप में मोटिवेट कीजिए कि आप अपनी ताकत को पहचानिए, इसमें बाकी कुछ नहीं कहना है, कोई पार्टी थोड़ी है, अपनी ताकत को पहचानिए, को देख रहे हैं पार्टी उचित कौन हो, आप तो कोई दे ही नहीं रहा, डिबेट में दे रहा है कि भूमियार के आज ये दशा हो गया कि टिकट जो बांटता था उसका टिकट नहीं, कहीं बेचारा चल रहा है ढोना लेके।